आज जनादेश का दिन, जनता का फैसला आएगा आज। सियासत के हैवी वेट कितने भारी रहे या हवा में ही रह गए, आज चलेगा पता। इन रुझानों में बीजेपी की बढ़त देख के यह तो साफ है कि जमीनी तौर पर कहीं कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं रही, तभी बीजेपी रेस में आगे निकल रही। आइए हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। देवरिया सदन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शलभमणि त्रिपाठी आगे, गोरखपुर से सीएम योगी आगे, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से पीछे चल रहे हैं, लखनऊ नॉर्थ से बीजेपी के धीरज वोरा आगे, मथुरा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा आगे हैं, किठौर से सपा प्रत्याशी शाहिद मंजूर आगे, मेरठ शहर से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त आगे हैं, चांदपुर सीट से सपा रे स्वामी ओम विश आगे हैं। आप पार्टी सीटों के रुझान की तरफ एक नजर डालते हैं। बीजेपी 200 सीटें, सपा 105, बीएसपी 5, कांग्रेस 3, अन्य 3। वोटों की गिनती के बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हरेक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें।